ये टैंकर की यार हालत देखे। भाई लोग आए जा रहे हैं और ये डब्बे वगैरह भर रहे हैं। भाई कोई गाड़ी पे आया हुआ है, कोई बाइक पे आया हुआ है, ये आयल लेने के लिए डब्बे हाथ में है लोगों के। ये देखिए ये गाड़ियां का गाड़ियां भाई भर रहे हैं। ये भी आयली निकाल रहे हैं यार, ये ड्रम भरे हुए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्त, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं शब्बीर और आज भाई गोरंगी इंडस एरिया में मौजूद हूं, जहां पर आयल का जो टैंकर है वो कल्टी हुआ हुआ है। लोग यहां पर आयल वगैरह ले रहे हैं और काफ़ी तादाद में आयल बह चुका है इधर। तो ये है कि ये बीटा चोरंगी पे है। तो अभी मैं आपको टैंकर दिखाता हूँ यार, टैंकर की हालत देखें। और ये पूरी चोरंगी जितनी भी है वो आयल से भरी हुई है। तो चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यार कैसे ये सीन हुआ हुआ है। टैंकर की हालत है, ये टैंकर पूरा कल्टी हुआ हुआ है। तो ये रोड पे आयल ही आयल है, ये सारा आयल है। लोग भाई देख रहे हैं, ये खड़े हुए हैं सारे लोग। तो ये मेन बीटा चोरंगी पे ही है। लोग भाई देख रहे हैं, ये खड़े हुए हैं सारे लोग। तो ये मेन बीटा चोरंगी पे ही है। लोग भाई देख रहे हैं, ये खड़े हुए हैं सारे लोग। तो ये मेन बीटा चोरंगी पे ही है। लोग भाई देख रहे हैं, ये खड़े हुए हैं सारे लोग। तो ये मेन बीटा चोरंगी पे ही है। लोग भाई देख रहे हैं, ये खड़े हुए हैं सारे लोग। तो ये मेन बीटा चोरंगी पे ही है। लोग भाई देख रहे हैं, ये खड़े हुए हैं सारे लोग। तो ये मेन बीटा चोरंगी पे ही है। अच्छा ये ईदी वगैरह वाले भी आए हुए हैं। अच्छा ये ट्रैफिक भी इधर जाम हुआ हुआ है। अच्छा ये ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए हैं ताकि ये मट्टी वट्टी डाल रहे हैं इस। अच्छा ये आयल के ऊपर अभी ये मट्टी वगैरह डाल रहे हैं, ये ट्रैक्टर जो है वो मट्टी डाल रहा है इसके ऊपर, ये चीज़ हो रहा है। तो ये ट्रैफिक भी जाम हुआ हुआ है भाई। राय लेते हैं कि यार कैसे ये ट्रैक्टर जो है वो कल्टी हुआ हुआ है और क्या सीन है इसका, तो लोगों से रिव्यू लेते हैं और आप लोग। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक हो सर? ये कैसे हुआ था और क्या, थोड़ा सा डिटेल से बताएं जरा। ये जो है ना गाड़ी आई थी सही है। अच्छा तो इसने लाइटें जी हॉर्न बजाया नहीं, गाड़ी ने साथ। अच्छा कल्टी हुआ हुआ है। अच्छा ये कल्टी हुआ था, आयल वगैरह सारा साया जाया हो गया। अच्छा सुबह 5 बजे हुआ। अच्छा 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 कोई जानी नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ ना? अच्छा जी अच्छा वो गाड़ी के साथ लगा हुआ है। अच्छा जी टैंकर के साथ वो टकराया है, इसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद फिर जो है ये यहाँ पर कल्टी हुआ है, चमड़ा जो है बीटा चोरंगी पे, और ये कोरंगी इंडस एरिया है। तो यहाँ पर लोगों से भी रिव्यू लिया कि यार ऐसे हुआ था, लेकिन लोगों ने तेल वगैरह जो भी जाया हुआ है वो भी लोगों ने ले लिया। तो अभी रश भी बहुत हो गया है, काफ़ी लोग परेशान हैं। तो अभी मज़ीद बात कर लेते हैं लोगों से यार ये कैसे हुआ हुआ, उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने यहाँ से तेल वगैरह जो रोड से जो रोड में यह बह गया था तेल टैंकर से, टैंकर जो कल्टी हुआ था, तो उसमें से लोगों ने यार डब्बे भरे हैं, कोई क्या चीज़ भर रहा है, कोई क्या चीज़ सामान वगैरह ये वो अल्ट्रम शटम जो है उन्होंने भरना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर यह है अभी हुआ है कि यार मिट्टी डाली गई है यहाँ पर, जो ये डीजल वगैरह जो पेट्रोल है वो गिर गया। तो ये मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये सारा ये मिट्टी डाल दिया अभी, ये जितना भी ये पूरी चोरंगी है यहाँ पर सारा का सारा तेल।
ली है ये, तो बड़ा नुकसान हुआ है यार। लेकिन ये है कि जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ है। ड्राइवर जो जिसके अब टैंकर कल ही हुआ था तो उसका जो है थोड़ा बहुत ही उसका जख्मी हुआ है, और बाकी अल्लाह का खैर है, सब ठीक ठाक है, तो ऐसा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों ने डब्बे वगैरह भर दिए हैं भाई, ये बाइक पे लेकर आए हैं, कितने डब्बे सारे लेकर आए हैं ये लोग, और इसमें से ये जो तेल निकल रहा था टैंकर से तो रोड पे, वो इन्होंने ले लिया है। तो ये भाई ये डब्बे हैं इसके, देखें यार ये क्या क्या चीज़ें लेकर आ गए भाई ये भरने के लिए ऑयल टैंकर को। टाइम पे हुआ था सर ये तकरीबन 7:45 का वक्त है। अच्छा 6:50 का। अच्छा कोई जानी, अच्छा जानी नुकसान वगैरह तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान। अच्छा ये लोकेशन क्या है सर? ये इसको बीटा चुरंगी कहते हैं, गैस पार्क में उसके बाद है। सही, ये फिलहाल से आ रहा था बीटा की तरफ। अच्छा सही सही, शुक्रिया सर। ये टैंकर वगैरह जो है भाई, ये सारा कुछ, ये लोग भी खड़े हुए हैं जो है, वो ट्रैफिक को भी बंद किया जा रहा है यहाँ पर, इंतजामिया के यहाँ पर जो तेल रोड पे बह गया है कि ऐसा ना कोई नुकसान वगैरह हो जाए, इसीलिए ये सारे लोग लगे हुए हैं ट्रैफिक वाले, ताकि ये रास्ता बंद कर रहे हैं अभी चोरंग की ना। तो अभी मजीदा मालूम ले लेते हैं, देखते हैं यार क्या सीन क्या है। आने वाले लोग हैं जो ये परेशान कर रहे हैं, बीच में रास्ते में रुके हुए हैं, तो ट्रैफिक जाम हो रही है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये सारी गाड़ियां हैं जो तेल निकाल रही है, लेकिन ये टैंकर जो कल्टी हुआ था वो ये है कि ये खाने का ऑयल है, वो टैंकर कल्टी हुआ, तो ना डीजल है ना पेट्रोल है कुछ भी ना, खाने का ऑयल जो है उसका कल्टी हुआ हुआ है। तो ये सारी इंतजाम आप कंट्रोल करवा रही है ये। ये नाले में भी आयल भाई गिरा हुआ है और ये निकाले जा रहे हैं इधर से। अच्छा ये नाले में आ गया आयल। अच्छा ये निकाल रहे हैं आयल, निकाल रहे हैं भाई लोग, निकलता है ना ये, जो जाया होने से कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगा, ऐसा ही है। काफी तादाद में जो है ना वो बह चुका है, नाले में हो गया, पूरा रोड पे है भाई पे, वो आयल ही आयल है, लेकिन ये आयल खाने वाला है भाई। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे मुझे नहीं पता, ये जो पीछे से ये निकाल रहे हैं, तो अल्लाह करे ये किस खाने पीने में यार ना डालें, और लोगों के लिए सेहत के लिए भाई मुजर है। तो ये मेरे पीछे देखें, और ये भी निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो काफी तादाद में जो है ना यहाँ पर ये आयल जो है पूरे रोड पे, ये पूरा रोड जो जितना जा रहा है पूरे रोड पे ये आयल ही आयल है भाई। रोड से तो उठा लिया इन्होंने आयल, अभी जो नाले में चला गया आयल, तो वहीं से ये डब्बे भर भर के कपड़ा उसमें डाल के निचोड़ के वो चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं दिखा देता हूँ सीन क्या चल रहा है भाई इधर, ये पाकिस्तान है भाई, कुछ भी हो सकता है। ये देखें ये गाड़ियाँ का गाड़ियाँ भाई भर रहे हैं। क्या भाई आयल उठा उठा के, ये देखें यार ये पूरी गाड़ी में भाई ड्रम ही ड्रम है ये, तो ये भर रहे हैं। ये भी आयल ही निकाल रहे हैं यार, ये ड्रम भरे हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो भाई को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना भाई को ना भूलेगा, वैसे भी आप देते रहें जैसे आप दे रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक भाई को दे दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.